Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Life Skills with Fatma Ali। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यमी एंड डिलीशियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुकर में 2 kg मटर मिंस ऐड करेंगे, उसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के ऑनियन और 2 जो लहसुन की हम कटिंग करके और अदरक और 2 बड़े साइज़ के टमाटर और साथ में थोड़ी सी इमली और हरी मिर्चें बारीक कुटी हुई वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास 1 tablespoon ज़ीरा है, 1 tablespoon लाल मिर्च, 1 tablespoon सॉल्ट, 1 tablespoon खुश धनिया, 1/2 tablespoon हल्दी पाउडर और 2 पीस दालचीनी के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने 2 lemon juice जो है वो 2 अदरक लीमों का ऐड करूँगी। साथ में 2 से 3 चम्मच में इसमें सिरका ऐड करूँगी। इसके साथ ही 2 अदरक गिलास में वाटर इसमें ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको कुकर की जो लीड है वो क्लोज़ कर दूंगी और 15 to 20 मिनट के लिए मैं इसको क्लोज़ कर दूंगी, वेट पे लगा देंगे। आफ्टर 15 to 20 मिनट हमारी जो कंसिस्टेंसी है नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरह से हो गई है। ये देखिए नाज़रीन, इसने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब इस वाटर को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। तमाम वाटर को हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। सारे वाटर को ड्राई करेंगे हम हाई फ्लेम पर। जब वाटर खुश्क होने लगे तो इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे स्लो। वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। देखिए नाज़रीन, इसका वाटर अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट हाँ कमाल, बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस रेसिपी बनने जा रही है। देखिए नाज़रीन, इसका जो वाटर है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडे होने के बाद हम इसके सांचे की मदद से या हाथों की मदद से आप इसकी टिक्कियां बना लेंगे। अब एक प्लेट में 1 अंडा हमने डाला है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। उसके बाद जो सांचे से बनाई गई जो टिक्कियां हैं हमने इसको अंडे में डिप करके एक पैन लेंगे, उसमें घी या ऑयल आप अपने जो आपके पास मौजूद है वो उसमें हल्का सा लगाएं और टिक्की को अंडे में डिप करके पैन पर फैला दें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। अब इसकी साइड चेंज कर लें ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। हाँ, हमारी बहुत ही यमी एंड डिलीशियस रेसिपी तैयार है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। चलती हूँ नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ, मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।